Assalamu alaikum viewers, hope here. Well, welcome to my YouTube channel Sunshine. Today in this video we are going to discuss some important types of animal fermenters known as ruminant and hindgut fermenters. Ruminant fermenters are commonly called as foregut fermenters as well. So सबसे पहले हम ruminants का introduction देख लेते हैं. Ruminants are basically hoofed herbivorous grazing mammals जो कि अपना food acquire करते हैं plant-based प्रोडक्ट से, जैसे कि हमने हर्बीवोरस कहा है, यानी ये हर्ब्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट के लिए. सो उस प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को फर्मेंट करने के लिए डाइजेशन से पहले इन्हें एक स्टमक रिक्वायर्ड होता है, स्पेशलाइज्ड स्टमक, ताकि वो उन फाइबर्स को ब्रेक डाउन कर सकें और उससे न्यूट्रंट्स हासिल कर सकें. और ये पर्पज़ अचीव करते हैं माइक्रोब्स की मदद से. सो ये प्रोसेस जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में परफॉर्म होता है, तो उस मुनासबत से हम इन्हें फोरगट फर्मेंटर्स कह देते हैं. और जो फूड है वो चूँकि हार्ड इन नेचर है, तो इसे रीच्यू किया जाता है, रिपीटेडली रीगरगेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को जो है रिमिनेशन कहा जाता है, जिसमें प्लांट मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए, डाइजेशन को स्टिमुलेट करने के लिए उसकी रेगुलर और रिपीटेटिव च्यूइंग की जाती है. रिमिनेंट का वर्ड भी इसी रिमिनेर से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू च्यू ओवर अगेन. जो रिमिनेटिंग मैमल्स के एग्जाम्पल हैं उनमें कैटल्स आ जाते हैं, बफेलोज, गोट्स, शीप, जिराफ्स एंड एट्सेट्रा. रूमेन फर्मेंटेशन जो है इस प्रोसेस में बेसिकली जो इंडस्ट्रियल फीड है, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को अपटेक किया गया है, उसी को एज ए एनर्जी सोर्स भी यूज़ किया जाता है. जब फाइबर्स की अपटेक कर ली जाती है तो उनके स्क्रैचेस से रूमेन वॉल में जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है वो स्टिमुलेट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन से फिर फाइबर्स की ब्रेक डाउन की जाती है, और फीड को जो है वो च्यू किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है. अप टू 50 to 70 टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट किया जाता है रिमिनेशन के दौरान, नेक्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक में भेजने से पहले. जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो फर्मेंटेशन के दौरान कन्वर्ट करती है शुगर्स को वोलेटाइल फैटी एसिड्स VFAs में, और इसी दौरान जो है गैसेस भी रिलीज होती हैं जिन्हें हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बेसिकली शुगर्स की ही ब्रेक डाउन होती है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी इसे कहा जाता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं एंड प्रोडक्ट्स की बेस पे हम उसे नेम दे देते हैं, जैसे एसीटेट बन रहा है तो एसिड फर्मेंटेशन परफॉर्म हुई है एंड सो ऑन. सो इस तरह से बैक्टीरिया की मदद से हमारे पास जैसे जैसे ब्रेक डाउन स्पीड अप होती है, वैसे वैसे VFAs की फॉर्मेशन भी इंक्रीज हो जाती है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो डाइट्री पॉलीसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आए हैं उनकी हाइड्रोलिसिस के बाद सोल्यूबल शुगर्स बनी हैं. सोल्यूबल शुगर्स की फर्दर हाइड्रोलिटिक फर्मेंटेशन के बाद हमारे पास क्या हुआ है, इंटरमीडिएट स्पीशीज बनी है लाइक पायरोवेट, लैक्टेट, फॉर्मेट, सक्सिनेट, और फिर उनकी फर्मेंटेशन के बाद एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू एसीटेट, ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू ब्यूटारेट एंड प्रोपायोनेट एज वेल. दीज आर द एनर्जी सोर्सेज फॉर द होस्ट, यानी होस्ट अपनी एनर्जी इन्हीं कंपाउंड से हासिल करते हैं आगे जाकर, और इसी प्रोसेस के दौरान मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती हैं उन्हें स्टमक से रिलीज़ कर दिया जाता है. और डाइजेशन के दौरान रिमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो नॉन रिमिनेंट से कैसे डिफरेंट है, कि इसके ये स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें पहले कंपार्टमेंट का नाम ही रिमिन है. रिमिन वो साइट है जहाँ पे माइक्रोब्स अपना रोल प्ले करते हैं फर्मेंटेशन में. नेक्स्ट कम्स रेटिकुलम. रेटिकुलम जो है वो चैनल या नेटवर्क प्रोवाइड करता है उस कड को, जो कि च्यूइंग के दौरान क्रिएट होता है बोलस लाइक मटीरियल सेमी सॉलिड, उसे चैनल प्रोवाइड करता है वो थर्ड पार्ट ओमेसम तक पहुँचे. ओमेसम जो थर्ड कार्ड रिसीव करता है उसमें से वोलेटाइल फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. एंड देन कम्स द रोल ऑफ ट्रू स्टमक विच इज़ एबोमेसम. यहाँ पर फर्दर एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन के प्रोसेस को जो है कैरी ऑन किया जाता है. जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन रिमिनेंट्स में अब अगर हम उसे थोड़ी डिटेल के साथ देखें, तो जो पहले दो चैम्बर्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं वो मेजर साइट हैं जिसमें माइक्रोब्स अपनी एक्टिविटी प्ले करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन या फर्मेंटेशन को, बेसिकली डाइजेशन में भी स्पेसिफिकली शुगर्स की जो ब्रेक डाउन है उसको अचीव करने के लिए. अब फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये जो शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन है, इस ब्रेक डाउन के अमल को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं माइक्रोब्स को, लाइक वार्मर टेम्परेचर व्हिच रेंज अप टू 37 to 42 डिग्री सेंटीग्रेड, एनारोबिक कंडीशंस, मॉइस्ट एनवायरनमेंट, लाइकवाइज पीएच अप टू द रेंज ऑफ 6 to 6.4. तो ये तमाम कंडीशंस माइक्रोब्स को रिक्वायर है. अगर माइक्रोब्स को ये कंडीशंस ना मिलें तो वो अपना रिमिनेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस ये नहीं परफॉर्म करेंगे रिमिनेंट्स के अंदर, और जब ऐसा नहीं होगा तो रिमिनेंट्स जो हैं फूड में से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर नहीं कर पाएंगे. सो ये कंडीशंस मेंटेन होना ज़रूरी है. इसके साथ साथ फूड को सलाइवा के साथ भी मिक्स किया जाता है, और तभी एक बोलस लाइक मटीरियल सेमी सॉलिड क्रिएट होता है. अब इस मटीरियल को
इसमें अभी भी फाइबर्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इन्हें च्यू किया जाता है, रीगरगेट किया जाता है ताकि उन्हें फर्दर स्मॉलर साइज में कन्वर्ट किया जाए। जितना स्मॉलर साइज ज़्यादा होगा सरफेस एरिया बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन आसान रहेगी। फाइबर्स जिसमें स्पेशली सेलुलोज और हेमीसेलुलोज शामिल होता है उससे पहले ब्रेक डाउन किया जाता है वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, जैसे कि एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड। फिर इनकी फर्दर फर्मेंटेशन से क्या होता है, हमारे पास एसिटेट, प्रोपायोनेट और ब्यूटायरेट रिलीज होता है जो कि एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करता है, जैसे कि हमने डायग्राम में डिस्कस किया था। रिमन और रेटिकुलम दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं, लेकिन इन कॉम्बिनेशन इन्हें हम रेटिक्यूलर रिमन कहते हैं। यहाँ पर जो डाइजेस्टर या इंजेस्टेड फीड डीग्रेड होती है वो फर्दर पास ऑन करती है थर्ड चैम्बर में, जिन्हें हम ओमेसम कहते हैं। ओमेसम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस परफॉर्म करता है, यानी इनमें से वोलेटाइल फैटी एसिड्स और अमोनिया की अपटेक कर लेता है, और फिर ये इंश्योर करता है कि जो बोलस का साइज है वो स्मॉल ही रहे, और फिर वो थ्रू स्टमक में उस डाइजेस्टेड मटीरियल को भेजता है जिसे फिर फर्दर एंजाइम्स की मदद से डीग्रेड किया जाता है। ये जो लास्ट कंपार्टमेंट है एबोमेसम डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये जो मोनोगैस्ट्रिक स्टमक होता है उसी के जैसा होता है, और यहाँ पर उसी तरह से डाइजेशन का प्रोसेस अचीव किया जाता है एंजाइम्स की मदद से। और यहाँ से फिर क्या होता है, जो माइक्रोब्स रिलीज हुए थे फर्स्ट कंपार्टमेंट में वो भी अब इस फोर्थ कंपार्टमेंट में आके डाइजेस्ट कर दिए जाते हैं। अब जो है इन फोर कंपार्टमेंट्स के बाद जो फूड है या डाइजेस्टा है, डाइजेस्टर इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म नाउ, अब इसको भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन भी जो है उसका पर्पज़ होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, एंड देन हमारे पास फूड जाता है नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। सरफेस एरिया जो है डाइजेस्टर का इंक्रीज किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वेलाई की हेल्प से, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके अलावा रेटिक्यूलर रोमन में जो भी माइक्रोब्स मौजूद थे उनकी भी जो है डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में की जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद डाइजेस्टा भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का भी मेन रोल होता है कि फाइबर को ब्रेक डाउन करें बाय फर्मेंटेशन विद माइक्रोब्स, यहाँ पे जो मौजूद माइक्रोब्स हैं उनकी हेल्प से, और इसके साथ साथ वाटर की भी एब्जॉर्प्शन की जाए और जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको अपटेक कर लिया जाए, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है गैसेस की सूरत में उसको एक्सपेल आउट कर दिया जाए। फर्मेंटेशन इसी तरह फिर लार्ज इंटेस्टाइन में कंटिन्यू रहती है जैसे कि रेटिक्यूलर रोमन में हुई थी। रिमिनेंट्स में रिमेन डेवलपमेंट की बात करें तो जब एक यंग रिमिनेंट बॉर्न होता है तो उसमें किसी तरह की कोई माइक्रोबियल पॉपुलेशन नहीं होती। बर्थ के दौरान या वजाइना स्किन या फीसिस से इंटरेक्शन पर उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो स्टार्ट होती है, और किस तरह से कि बर्थ के कुछ घंटे बाद एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ अपीयर करती है, देन उसके 2 to 4 days बाद सेलुलिटिक बैक्टीरिया मिथैनोजेनिक आर्की अपीयर होते हैं, देन एनारोबिक फंगाइस को कॉलोनाइज करते हैं 2nd week में, और सीरिएट प्रोटोजोआ उनकी इस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है 3rd week के दौरान। सो इस तरह से रिमन में माइक्रोबायोटा जो है वो इस्टेब्लिश होता है। देन मेच्योर माइक्रोबियल इकोसिस्टम जो है वो जैसे कि हम देख चुके हैं नेसेसरी होता है डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए सॉलिड फीड की। तो ऑप्टिमल एनिमल ग्रोथ या परफॉर्मेंस इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितना जल्दी उसके अंदर माइक्रोबायोटा या माइक्रोबियल पॉपुलेशन इस्टेब्लिश हो गई है, इसके साथ साथ कितने फंक्शनल और अबंडेंट माइक्रोब्स ने उसे इन्वेट किया या उसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। देन उस ऑर्गेनिज्म में खुद कितनी एबिलिटी है कि वो फूड को किस तरह इनटेक करता है और डाइजेस्ट करता है, और इसके साथ साथ रिमन वॉल में कितनी कैपेसिटी है न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने की, क्योंकि जितनी अब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगी उतना बेहतर तरीके से न्यूट्रिएंट्स एक्वायर किए जाएंगे और वो फिर बॉडी का हिस्सा बनेंगे, और ग्रोथ और इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट बेसिकली अच्छी होगी। अब रिमिनेंट्स में हम माइक्रोबायोटा की बात करें तो ना सिर्फ इसमें बैक्टीरिया शामिल है बल्कि प्रोटोजोआ और फंगाई भी हैं। अब हम इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल फिगर्स की बात करें तो जो रिमन बैक्टीरिया है वो 10 to 10 ऑर्गेनिज्म पर ml जो है उसमें रिमन फ्लर्ट में मौजूद होते हैं, और ना सिर्फ एक स्पीशी बल्कि हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं यहाँ अपना रोल प्ले कर रही होती हैं डाइजेशन में। और ओवरऑल बाय वॉल्यूम बात करें तो 50% जो है टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन में 50% अमाउंट बैक्टीरिया की होती है। इसके अलावा ये रिमिनेंट्स को मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं 70 to 80% तक। और माइक्रोब्स में बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो कि फाइबर, स्टार्च और शुगर्स की डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं। इसके साथ साथ प्रोटोजोआ में स्पेशली जो सीलिएट प्रोटोजोआ हैं वो जो हमारे पास फ्लड में बैक्टीरिया से भी ज़्यादा होते हैं 106 ऑर्गेनिज्म पर ml ऑफ रिमन फ्लड, लेकिन जो इनके बाय वॉल्यूम बात करें तो ये भी बैक्टीरिया की तरह 50% ही मौजूद हैं रेशो में। सीलिएट प्रोटोजोआ जो सेलुलेटिक और हेमीसेलुलेटिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं वो भी प्लांट पार्टिकल्स की डाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, स्टार्च की डाइजेशन को
प्रोटोजोआ फैसिलिटेट करते हैं, इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड को कंज्यूम करते हैं ताकि एसिडोसिस का रिस्क कम हो जाए, एसिड की अमाउंट एक्सेस में ना चली जाए. सम टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआ आर एबल टू रिमूव ऑक्सीजन, सो दे हैव अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अपॉन एनएरोबिक, यानी एनएरोबिक कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को भी इंश्योर करते हैं उस एरिया में से, उन कंपार्टमेंट्स में से स्पेशली. सीलिएट प्रोटोजोआ इसके साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं जो कि फिर मिथेनोजेंस को फैसिलिटेट करते हैं मीथेन फॉर्मेशन में. सीलिएट स्पीशीज जो हैं प्रीडेटर्स का काम करती हैं फॉर अदर रूमन माइक्रोब्स. इनफैक्ट अ सिंगल प्रोटोजोअल सेल कैन स्वैलो अप टू सेवरल थाउजेंड बैक्टीरिया इन एन आवर, सो दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रूमन माइक्रोबियल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, यानी एक्सेस में चीज़ों को जाने से रोकती हैं. जैसे कि हमने देखा लैक्टिक एसिड की परसेंटेज को मेंटेन रखती हैं, ऑक्सीजन को बढ़ने नहीं देती उस एरिया में, और मिथेनोजेनेसिस को फैसिलिटेट कर रही हैं, और इसके अलावा माइक्रोब्स की पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं दे रही. रूमिनेंट्स की फर्स्ट कंपार्टमेंट, रूमिन में फंगाई की भी जो अमाउंट है, पॉपुलेशन है, बाय वॉल्यूम 8-10% होती है, और ये भी अपना एसेंशियल रोल फाइबर डाइजेशन में प्ले करते हैं. इसके साथ साथ फिलामेंटल राइजॉइड्स बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, प्लांट टिश्यूज़ में एंजाइम्स की प्रोडक्शन के साथ उनकी फिजिकल डिग्रेडेशन करते हैं. इस तरह से उन हार्ड टिश्यूज़ को डाइजेस्टेबल बना देते हैं और पॉलीसेकेराइड्स जिसके थ्रू रिलीज हो जाते हैं, और इसके साथ साथ माइक्रोफ्लोरा की जो एनर्जी है उसको इन्हांस करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइंड गट फर्मेंटर्स. तो हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं ये भी हर्बीवोरस डाइट पर डिपेंड करते हैं अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन इनकी डाइट में जो इनसोल्यूबल प्लांट कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जिनमें सेलुलोज वगैरह शामिल हैं. लेकिन सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, विच इज़ नाउन एज सेलुलेज, वो इन मैमल्स के पास नहीं होता. सो फिर भी ये उस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं. ऐसा कैसे मुमकिन हो पाता है इनके लिए कि हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लेते हैं उन माइक्रोब्स के साथ जिनमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं. हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं इन्होंने अपने आप को इस तरह अडेप्ट कर लिया होता है कि इनके अंदर जो है एक्सपैंडेड फॉर्म में माइक्रोबियल पॉपुलेशन एडजस्ट कर जाएँ. इनकी डाइट में भी जो है फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़ाइबर क्या करता है, जो मूवमेंट है, कंट्रैक्शन है या पेरिस्टाइलसिस है गट में, उसको स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से फिर डाइजेशन होती है और गैसेस नहीं बनती. अब जो सेलुलोज का स्ट्रक्चर है आप उसे देखें, तो मैमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि सेलुलोज जो ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, उसमें जो लिंकेजेस मौजूद हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस हैं, जबकि जो मैमल्स के पास एंजाइम्स में उनमें एबिलिटी होती है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने की, जो कि स्टार्च और ग्लाइकोजन में पाए जाते हैं. तो यही वजह है कि मैमल्स सेलुलोज को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते जबकि स्टार्च और ग्लाइकोजन को कर सकते हैं. सो हाइंड गट फर्मेंटेशन फिर कैसे होती है कि इस डाइजेस्टिव प्रोसेस में इनका एक जो मोनोगैस्ट्रिक हर्बीवोर्स का स्टमक होता है बकाया एनिमल्स की तरह सिंपल, वैसे ही सिंगल चैम्बर स्टमक है इनका भी, और इसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है उन सिम्बायोटिक माइक्रोब्स के साथ एसोसिएशन बना के जिनमें एबिलिटी होती है सेलुलोज को डिग्रेड करने की, वो बोले एंजाइम्स क्योंकि उनमें मौजूद होते हैं तो ये उन माइक्रोब्स के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं. Microbial fermentation occurs in the digestive organs that follow the small intestine, the large intestine and cecum. फोर गट फर्मेंटर्स में सीकम जो है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद थी, जिससे फर्दर डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है फर्मेंटेड फूड का वो लिमिट हो जाता था. लार्ज इंटेस्टाइन कंपार्टमेंट की बात करें तो हाइंड फर्मेंटर्स में स्पेशली जो ऑर्डर लैगोमॉर्फा है उनमें जो सीकोट्रॉप्स जनरेट होते हैं जो कि प्रोडक्ट ऑफ सीकम होता है, वो पास करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, और फिर उसके बाद उन्हें री इंजेस्ट फिर से वो अपटेक कर लेते हैं रैबिट्स या रोडेंट्स वगैरह, ताकि जो उसमें न्यूट्रंट्स रह गए हैं उन्हें रीअब्सॉर्ब कर सकें. और सीकोट्रॉप्स जो हैं इन्हें लेयर ऑफ म्यूकस सराउंड कर लेती है ताकि जो स्टमक है वो उसके स्टमक के जो एसिड्स हैं उससे उसे बचाया जा सके, लेकिन न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन जो है वो अचीव हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर. कुछ हाइंड गट फर्मेंटर्स जो है कॉप्रोफैगी की प्रैक्टिस को भी फॉलो करते हैं, जिसमें रोडेंट्स वगैरह आते हैं ताकि जो फीकल मैटर है उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स या माइक्रोबायोटा स्पेशली रह गया है तो उसे फिर से ये रीस्टोर कर सकें, और ये इनके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथनिंग करता है. हाइंड गट फर्मेंटर्स डू हैव द एबिलिटी टू एक्सपेल देयर माइक्रोफ्लोरा व्हिच इज़ यूजफुल ड्यूरिंग द एक्ट्स ऑफ हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड टॉर्पर. इस कंडीशंस में वो इसे निकाल देते हैं, और जब उन्हें रिक्वायर्ड हो डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए तो वो उसको फीकल मैटर को अपटेक करके फिर से उस माइक्रोफ्लोरा को अपने अंदर रीस्टोर भी कर लेते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ हाइंड गट फर्मेंटर्स. तो हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं वो सब डिवाइडेड हैं दो ग्रुप्स में, किस बेसिस पे, डाइजेस्टिव ऑर्गन के साइज़ के बेसिस पे.
The first one is colonic fermenters and the second one is cecal fermenters. जो colonic fermenters हैं उनमें भी cellulose की digestion के लिए major use cecum का ही होता है, लेकिन large और small intestine के comparison में large intestine जो है वो greater in size होती हैं. और जो cecal fermenters हैं उनमें जो cecum है वो बकाया digestive organ से comparatively बड़ा होता है. और colonic fermenters में examples आ जाती हैं larger species like horses की, और cecal fermenters में हमारे पास smaller species और animals like rabbits and rodents आ जाते हैं. कंपैरिजन ऑफ हाइंड गट फर्मेंटर्स विद फोर गट फर्मेंटर्स करें तो हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं उनमें इनलार्ज्ड हाइंड गट होती है एज अपोज टू फोर गट. और रिमिनेंट्स में क्या होता है, बेसिकली माइक्रोबियल फर्मेंटेशन हो रही होती है तो वो मेनली रिमिन में परफॉर्म होती है, तो वहाँ पर फोर गट इन्वॉल्व होती हैं. और हाइंड गट में चूँकि हाइंड गट इन्वॉल्व है इसलिए वो इनलार्ज्ड इन साइज हैं, क्योंकि सारे फंक्शंस उसकी मोनोगैस्ट्रिक चैम्बर में परफॉर्म हो रहे होते हैं डाइजेशन के. इसके साथ साथ कुछ एडवांटेजेस ये हैं हाइंड गट फर्मेंटेशन के. एडवांटेजेस की बात करें तो जो हाइंड गट फर्मेंटर्स हैं उनमें चूँकि एबिलिटी होती है सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट्स को वो डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने ओन पे, तो जो ग्लाइकोजन वगैरह या स्टार्च वगैरह से वो ग्लूकोज की सिंथेसिस करके अपने ब्रेन को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड एनर्जी देते रहते हैं. जबकि रिमिनेंट्स जिनका फोर गट फर्मेंटर होता है उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो माइक्रोब्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए होल्ली. और इसके नतीजे में जो वोलेटाइल फैटी एसिड्स बनते हैं वो जो है वो कन्वर्ट करते हैं जब ग्लूकोज को ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो ये वाला काम वो लिवर में जाकर करते हैं और तब जाके ब्रेन एबल होता है एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए. तो ये था हमारे पास हाइंड गट फर्मेंटर का एडवांटेज ओवर फोर गट फर्मेंटर. नाउ वी विल डिस्कस सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइंड गट फर्मेंटर्स ओवर फोर गट फर्मेंटर्स. सो दे आर कि माइक्रोब्स, नंबर वन माइक्रोब्स में एबिलिटी होती है फोर गट फर्मेंटर्स के कि वो नॉन प्रोटीनेशियस सोर्सेज लाइक कंटेनिंग नाइट्रोजन लाइक अमोनिया एंड यूरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं अमाइनो एसिड्स में. और यही वजह है कि जब माइक्रोबल प्रोटीन्स डाई कर जाती हैं तो जब वो नीचे कंपार्टमेंट्स में पास होती हैं एबोमेसम या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ पर उन्हें प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पोअर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन के केस में भी ये वाली स्पीशीज सर्वाइव कर जाती हैं या इनमें नाइट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं होती. जबकि हाइंड गट फर्मेंटर्स में जो माइक्रोबियल प्रोटीन्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आकर जब डाई करती हैं तो उसके बाद वो डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, क्योंकि अब डाइजेशन की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि उन्हें रीगेन कर लिया जाए या रीस्टोर किया जाए वहाँ से. इसके साथ साथ जो फोर गट फर्मेंटर्स हैं उनमें माइक्रोब्स जो हैं वो उन्हें विटामिंस की सिंथेसिस करके भी देते हैं, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक में एनिमल्स को फैसिलिटेट करती है डाइजेशन के प्रोसेस में, उस दौरान ये विटामिंस अवेलेबल रहते हैं. जबकि हाइंड गट फर्मेंटर्स जो हैं उनमें ऐसा नहीं होता. इसके साथ साथ जो फोर गट फर्मेंटर्स हैं उनमें माइक्रोब्स चूँकि रिमन में ही प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पर ही पॉइजनस कंपाउंड्स को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है. जबकि हाइंड गट फर्मेंटर्स में हमने पढ़ा मोनोगैस्ट्रिक स्टमक होता है, सिंगल चैम्बर्ड स्टमक, सो यहाँ पर जो है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो पाता पॉइजनस कंपाउंड्स की, बल्कि वो डायरेक्टली जो है डाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं और बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं. सो ये अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे फोर गट और हाइंड गट फर्मेंटर्स के. होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक वेरी वेल. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड.